بسم الله الرحمن الرحيم صلي على जमी सादा तो मोमिनीन दी अजीम इबादत मंजूर फरमा दे। जितने सादात गैरे सादात शरीक बुरसैन खालिक जो गर्जा हाजतां दुआई दिल च रखते खालिक मुस्तजाब फरमा दे। बानी मजलिस खालिक उन्हां दे जुमला मरहूमीन दे दर्जात बुलंद फरमा दे। 12-14 सदका हर सिख दे मवाली को 14 दा ज़वार बना और सब तो वड़ी दुआ खालिक साढ़े बारे से बरहक दा जल जोर फरमावे तो आकुसा को सरकार दा सच्चा नौकर बनन दी तौफीक अता फरमावे। सलवात हिक्का पढ़ो सारे मिलके पढ़ो। कोई लंबी मजलिस नहीं। मासूम फरमान त्राय अमल ऐसन वो अमल करने वाले बंदे को उस दे गिदे हुए हर साहा दे बदले बतूल दी तस्बीह दा सवाब मिलदा। मतलब केड़े केड़े सरकार फरमाया नमाजी जड़ा आजान तो पहले गया बैठे इंतजार च बैठे आजान आवे तो नमाज पढ़ा। फरमाया उन्दे हर साह की कीमत सैयदा दी तस्बीह दूजा अजर जय जिंदगी भर नमाज दी इंतजार कीती है। फरमाया मकाम महमूद च मेरे नाने दे रले उसी तो जो है आ गया। त्रीजा अदर फरमाते हैं अमल दे बदले जिन्हें साढ़े बारहवें का जहूर थी सी जै सारी जिंदगी नमाज की इंतजार की एक दोबारा जिंदा करके बारहवें की सिपाही च दाखिल किया। है सरकार सिर्फ नमाजी और मैं नहीं रोजेदारी इो अजर वो कोई मिलसी जरा रोजा रख सी मतलब त्रीजा बंदा फरमाया सारी जद आजादार मतलब इन्हें त्रिहान कोई फर्क ही है कहदा सवाब नमाजी दा रोजेदार दा हुसैन दे आजादार दा सरकार पर मैं हाँ फर्क है। नमाजी उतने तक जे तक मस्जिद से रोजेदार उतने तक जे तुने रोजा अवतार निस कीता। मजले से हुसैन च बाणा शर्त नहीं दिल च कबर हुसैन दा हैदरी या अली।
है सरकार। इतरा ये अमल हर दा अजर तुसा फरमाए। तस्बीह सैयदा, तस्बीह सैयदा दा क्या सवाब है सरकार। फरमाने मेरी डाली दी तस्बीह 1000 रकात नमाज सुन्नत तो अफजल। जागदे बैठे हो 1000 रकात नमाज नाफला तू अफजल तस्बीह सैयदा। पर मैं साहिल ते मेरी जात का यह फरमान नहीं सुनया। पहले पाक ना ने फरमाया हा जेड़ा मेरी पाक दी दी एक तस्बीह पड़सी, एक तस्बीह के बदले अल्लाह जन्नत चो सल्तनत दे सी जिहड़ी सलमान दी हकूमत तो वध सी। जिंदो सलामत रहो। तो आपको दुहाए मौके मिले रोजेदारी विच बैठन ओही अजर बैठे गिंदन। हुसैन दे आजादारी फरमैदन ते दूजा घरों टुर के आसी ना आजादारे ते बावे नमाजी है। फरमैदन जितने कदम चा के आसी हर कदम ते 400 नेकी मिलसी 400 गुनाह ते लगी रासी। अच्छा एक दा लख मैं तो नहीं दिता, एक दा लख फतवा है तुहाडा। मासूम पर फरमैदन के एक दवाजे आखे या अली कहंदी खुशामद रिज नहीं अली दी मुहब्बत जाकिस उन्दे आपने पढ़े हुए नहीं। मैं छेवें इमाम दे तिलावत कीते हुए 16000 खत्मा दा सवाब मिल सी जेड़ा एक दफा आखसी या अली। कहीं आलम दा फतवा नहीं, कहीं जाकिर दा फतवा नहीं, तुहाडा फतवा है एक दा लख है। एक दफा जेड़ा आदा या अली 16000 मासूम दे तिलावत कीते हुए खत्मा दा सवाब ते माह रमजान च आदा या अली। तवज्जो है ओ बंदे बेशक चुप कर वंजन जिन्हां दी नमाज टुटदी है। साडा रोज ही फजीलत चांदा है, साडी नमाज ही फजीलत चांदी है। मौलवी सिर्फ बर्दाश्त नहीं करेंदा बे 17 रकात ए अली दा ना बार बार जो इतशाह दे चैसी इतना सवाब इको क्यों मिले। हसा दे गाली डू है या मोमिन नाल हसा दे इको इतना सवाब क्यों मिले। या खून दे विच कलाटन जो अली को बर्दाश्त कोई नहीं। अब जो है बस गल खत्म। मौला दे बड़े मदा खान सदे मेहमान बस इतना ही हाजरी आई। एक गुजारिश करे सा माह रमजान है ए बंदे मस्जिद ही बैठन इधे ही बैठन फतवा तो कोई आलम दे सकता मैं नहीं दे सकता। मैं तो जाकिर हाँ जाकिर ही हो जो अगर इमाम हुसैन कबूल करे छा ढिंगी जाकिर ना। हुण जिहड़ा मस्जिद च बैठे उलमा तो पुछो आखसन बेवजू ना बहो जिमें उथा शर्त नाल बहाना है इवें इथे ही शर्त नाल बहो। तवज्जो है हे मेरी
जिंदो सलामत रहो। सरकारां दे इन्हां दुखां दा सदका हर गम तू खालक महफूज रखे। पौने दो साल दे अमन निभा के वली मैं क्या गुजारिश की थी, पौने दो साल सादात मोमिनीन तो पहले तुहारे ते सवाल है, जिहड़ा अमन निभा के आवे क्या वो चौंतरी चौंतरी साल रत रहंदे ने परदे गैबत बह के? अज भी फरमाइंदे लब के अन्ना अलैक बदल दमू है दमन, क़यामत तक कायनात तेरी चादर को पानी रोसी। मैं बारहवां इमाम रत बैठा रहूंगा। मदीने दे विच इमाम बारगाह आखां, बैतुल हुज़्न आखां, गम दी फूड़ी आखां, त्रै फूड़ियां विछदियां हन दू परदे दे अंदर। एक ते बांधी असगर दिमाग, एक ते बांधी आई बतूल दीदी। दरवाजे दे बाहरों पियो पुत्र आवा फैना, मदीने च जिन्हां दे नसीब इछा आवे ना मुकांडे बिना। दो महीने लोग आंदे रहे, कुछ लोगों को ये तवक्को आई महीना दो महीने तक गम खत्म थी। वैसी शहाब जोरी ना मी नौ करे याद में त्रै दी मुतवाते रहा, चार कदम पिछवा नाम एक दी मेरे इमाम सर जा कर इठा जोरी चार कदम पिछे जो बांधे इन मकसद है तू मुकान तो नहीं आंदा। तो क्या समझे कहें दे उजड़न नाल इमामत मुक वेंदी है? अगर कोई गर्ज घिना दी मंग मलेवा आदे में कदमा ते मत्था लाया मौला जी दा मदीना उजड़े तो आदे मनन वाले अपने जवाना को सिरे छोड़ दितन अजौथा रही है। बगू घर वाली आके सरदार तो पूछ अगर सेरे गाने तशरीफ गिन आवे तो तेरे नौकर को सेरे पाऊ आखरी बंदे तक रोवन दी मिन्नत नहीं सर जैसे तैं लव सुन छोड़े सज्जाद दी रीश जो रत जमीन ते आई। पर मैं क्या आखी सेरे जैनुल आबिदीन सज्जाद गाना मौला नहीं करें दे शादी पर मैं नहीं मेरी जात दी सुनत जरूर आवने सुनत मेरी शुरू मौला केड़ी सुनत पर मैं अगर तकलीफ न थी भी सेरे पावन तो पहले मेरे बाबे दी मजलिस कराए से मसाइब दा मसाइब समझो सबक दा सबक समझो जेड़े आए खड़न ते गलियां च फिर दन सजाद अजा तारीख नहीं दीती ओ दरवाजे ते ज़ईफा दी हकल आई मारी जी डारी जोरी को टोरन तो पहले घर आ जिड़े शाम चु बच के वलन सड़े दियन सज्जाद फरमाते मैं आवा तो दीवार नाल यारह बीबियां मथे लाई खड़ियां हर मस्तूर दा अपना मायने मुल्क दे कोने कोने चु आए हुए अदादार सैयद साजदीन उठा खड़े जिन्हें वे वी फूफी खड़ी अस अमां तुसा याद कीते हां जोरी कुछ आखी मजलिस करे सी मेरे हुसैन दी आजादारी थी सी अमा थी सी
और शाम दा थका होया तकलीफ तो थी सी आ एक दफा लगा वन वन के इतना पूछा हुसैन दी आदी भईवाल भैया दी अगर तकलीफ न थी वे ते पर्दा बना सको तो मैं ही आवा ये तो उन्दे को पूछना जेरी शाम चुआंदी है तारीख रखी गई मुक गई मेरी मजलिस मजलिस दी रात पर्दे दे अंदर आ बैठी कियामत तक आवन वालिया मस्तूरां दे पर्दे बचावन वाली आदमी दुहां इमाम को नाल लाके मिंबर दे नाल आ बिले थोड़ी देर बैठन मैं कुआ कहने तेरी आखे ते मैं कालीन ते बैठा उदे बाद मैं को तलाश न करें जित मेरा दिल आक्सी में बासा बोला कालीन ठीक है पर मैं उंद किते ठीक नहीं जंदी भेण दा दाज लुटी जवे जाकर पढ़ते आए एक एक शहीद दे जिक्र ते गिरिया वदाए अदरात ढली जाकर उंदा जिक्र शुरू कीता है जिंदे सहारे 53 महमल टुरिया अल्लाह जानदे जन गाजी दा जिक्र शुरू था ना ते जाकर दी जबान चो निकले बाजू कलम नौ मन वजनी गुर्ज जै जीन छुड़ा के बतूल दी झोली पुचा दिते तैं सुन छोड़ा इतना गिरिया जोरी दी घर वाली मलका हबश को लाई बीबी ते कुमार सरेंदियन इन अगवाक जाल जाल रहो मैंने मैले सुने मुख न वैसी मता इन चुको मर बने फिजा हाथ दा इशारा कर के आदे सुन के नहीं मर दिया मरे ना तो उन वेले मरे ना जिन अल्लाह दा लिखा हाने जाकर जिक्र शुरू किया हुसैन दे अकबर दा बरसी लगी जीन छुटी हुसैन पहुंचा बस इना लफ्जा ते चार बीबिया दा जिगर ते हथ है और जवान दी जबान जिगले हाय अकबर अखी बंद थी दिया गया कनीजा तलिया मलिया जोरी दी घर वाली आके कना ते हाथ मारा जोरी मजलिस बंद करा क्यों आदि अकबर दा शहादत सुन के चार बीबिया गिश कर गया या इमाम को आके ना को रोकन जोरी आदे मैं आवा उठ को नहीं बैठा मैं चराग चाह के देखना शुरू की थे मैं डिठे उठा बैठे जी तू मोमिन अंदर पे आ सैयदो साजिदीन हर आंदे मोमिन दे अगू उठी कर दे बाकर दा सहारा गिल के बल बहरा दे कै वेले दूए हाथ मथे दे रख दे किना किना बारगाह दे विच कुछ दोस्त हैं जड़े आदन बाबा अंदर बहने ते जुती लहा के वन ते बंदे लड़ पौंदन रुक कई वास्ते गल की थी जेड़ी हालत इच आवने जुती पा के आवने तेरी मर्जी इयो सोचा कर दर्द दे नाल सजाद बैठा होंदे इस हालत इच आ के ते को दुआ करके वने जोरी आदे मैं करीब गया मौला अकबर की शहादत सुन के चार बीबियां विश कर गई पर मैं तो आवाज सुनी है ना मौला मैं को घर वाली आखे पर मैं झिणका तो नहीं वे रज के रोह डो सिक दियां तेरे इलम जो नहीं कौन है मौला मस्तूरा तो बारह नन वलिया इन्ना चौं का रिश्ता ज्यादा है पर मैं दसा एक अकबर की सकी माओ एक अकबर दे पालन वाली माओ त्रीजी ओ मजदूर जिंदा करबला च नाज लुटे
चौथी ओ बीबी है जड़ी पेरे चुम चुम जे जींदी रही है मौला एक गल भाई पूछा पूछ कोई तकलीफ है बांधे हो उठींदे हो फरमाया तकलीफ नहीं तै समझाइए मोमिन जड़े आए बैठे कुछ मेरे मेहमान जड़े दूर चो आए जिन्हां दे इस्तकबाल कीते मैं उठींदा सब तू पहले परदा देखण मेरा गाजी आए वत मेरा अकबर आए वत मेरा कासिम आए वत मेरा बाबा हुसैन आए अदरात ढलिए त्रै फले तीर दा डरिया होया सराया घड़ाए मैं आदा मेरी झोली च पाए अज मेरा वीर जे मैं आवने मोमना गुआ तीर कमान बैर सट पानी पिला रहा था।